मेरी आज की वीडियो देखने से पहले ये बात जहन में बिठा लीजिएगा कि मैं किसी भी चीज़ की बुराई नहीं कर रही, या मैं आपको मना नहीं इस चीज़ से कर रही कि ये चीज़ इस्तेमाल बिल्कुल भी ना कीजिए, ये बहुत घटिया है, ठीक है। क्योंकि सबके रिजल्ट्स जो होते हैं वो सब पे डिफरेंट होते हैं, हो सकता है मुझे उसका फ़ायदा हुआ हो और आपको नुकसान हो, इस चीज़ को आप जहन में रखिएगा। क्योंकि मेरी जो मंडे वाली वीडियो होती है वो जस्ट रिव्यू पे होती है, और ये भी हो सकता है कि जिस चीज़ ने मुझे नुकसान पहुंचाया हो सकता है आप उसको इस्तेमाल करें तो आपको जो है वो नुकसान ना पहुंचाए, इसलिए ये बात जहन में रख के मेरी वीडियो देखिएगा। मैं किसी भी प्रोडक्ट की या किसी कंपनी की बुराई नहीं कर रही, मैं जस्ट अपना एक रिव्यू दे रही हूँ, अपना एक ओपिनियन दे रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल ZK ब्यूटी कॉर्नर। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी और रिव्यू दूंगी एक प्रोडक्ट का। जी हाँ, आज जैसे कि आपको पता है मंडे है, और मंडे वाले दिन जो है हमने रखा हुआ है एक दिन कि उस दिन जो है हम रिव्यू देंगे प्रोडक्ट्स का, यानी कि मैं आप लोगों के साथ किसी भी प्रोडक्ट का रिव्यू दूंगी जो मेरे खुद इस्तेमाल में है, और मैं आपको बताऊँगी कि वो आपकी स्किन के लिए सेफ है कि नहीं है। क्योंकि स्किन प्रोडक्ट्स जो हैं वो हम ऐसे ही नहीं बता सकते कि हाँ जी आप ये यूज़ करना शुरू कर दीजिए आपके मसाइल सॉल्व हो जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। स्किन प्रोडक्ट्स सबसे पहले मैं खुद अपने आप अप्लाई करती हूँ, तो जो उसके फ़ायदे हैं वो भी मुझे ही मिलते हैं, और जो उसके नेगेटिव रिजल्ट्स हैं वो भी मुझे ही मिलते हैं। मतलब मेरा चेहरा हसीन भी हो सकता है और साथ ही साथ मेरे चेहरे का बेड़ा गर्क भी हो सकता है, ठीक है। ये दोनों चीज़ें जो है मैं अपने ऊपर लेती हूँ और फिर उसके बाद जो है आपके सामने आती हूँ कि जी हाँ आप लोग ये इस्तेमाल कीजिए, आपके लिए सेफ है, और ये या फिर ना कीजिए। आज इस प्रोडक्ट का मैं रिव्यू करने जा रही हूँ वो है म्यूसिन की बेबी V9। इसके बारे में आप लोगों ने सुना है या नहीं कुछ मुझे अंदाज़ा नहीं है, क्योंकि ये मैंने ऑनलाइन ली थी और मैंने ये ऑनलाइन ही इसके जो है रिव्यूज़ देखे थे। मैंने ऐसे बहुत से पेजेस ज्वाइन किए हुए हैं फेसबुक पे जहाँ से मैं ऑनलाइन शॉपिंग कर सकती हूँ, और वहाँ पर प्रोडक्ट्स के बकायदा रिव्यूज़ दिए गए हैं। वहाँ पर हर प्रोडक्ट का सबने अपना अपना रिव्यू शेयर किया और बताया हुआ कि उनके स्किन पे उसने किस तरह से असर किया, ठीक है। वहाँ पर जो है एक ये वाली क्रीम भी थी बेबी V9, इसके बहुत ज़बरदस्त रिव्यूज़ थे, कमाल के रिव्यूज़ थे। कि एक तो ये कि ये बेबी V9 प्लस, ठीक है, ये म्यूसिन की है। इतने ज़बरदस्त रिव्यूज़ देखकर मेरा खुद का दिल चाहा कि हाँ मैं भी ये क्रीम मंगवाऊँ, उसको यूज़ करूँ और देखूँ कि जिस जिस तरह से लोगों ने बताया हुआ है कि आया ये उस तरह काम करती है कि नहीं करती, मेरे स्किन पे किस तरह से वर्क करती है, और अगर ये अच्छा वर्क करती है या बुरा करती है, जैसा भी करती है, कुछ अर्से तक मैं अपने व्यूवर्स को बताऊँगी कि जी हाँ इसको इस्तेमाल कीजिए या ना कीजिए, ठीक है। जैसे कि इसका नाम है और जैसे कि ऊपर पिक बनी हुई है, उन्होंने बताया है कि ये बेबी V9 है लेजी गर्ल्स क्रीम। लेजी गर्ल्स इसलिए लिखा कि जो अपनी स्किन की केयर नहीं कर सकती या उनके पास इतना टाइम नहीं है, लेकिन हाँ वो चाहती हैं कि उनकी जो स्किन है वो ज़बरदस्त किस्म की हो जाए और स्मूथ हो जाए, बेबी की तरह हो जाए, ठीक है। बेबी की आपको पता ना स्किन किस टाइप की होती है, वो उस टाइप की अगर चाहती हैं स्किन तो वो ये वाली बेबी V9 जो है वो ज़रूर इस्तेमाल करें। और वहाँ पर रिव्यूज़ की तो अखीर हुई पड़ी थी कि भाई टॉप क्लास है, ठीक है। सो मैंने बाय कर ली, मैंने ऑर्डर कर दिया, और ये मुझे मिली है 650 में। 750 तक की थी, मुझे उन्होंने 650 में दी कंसेशन करके, क्योंकि मैंने और भी बहुत सी चीज़ें जो हैं उनसे बाय की थी, तो मुझे तो ओवरऑल तमाम चीज़ों में जो है उन्होंने मुझे थोड़ा सा जो है कंसेशन दिया, थोड़ा सा मुझे उन्होंने मैंने बारगेनिंग कुछ खुद भी कर ली। मैं आदी हूँ, मैं कुछ भी लूँ तो मैं बारगेनिंग जब तक नहीं करूँ मुझे मज़ा नहीं आता। और मज़े की बात यह है कि हर लड़की को, हर औरत को बारगेनिंग करके चीज़ ली हुई का अपना ही मज़ा आता है, उन्हें उस चीज़ को इस्तेमाल करने में मज़ा आता है, हाँ भाई इतनी महंगी चीज़ थी मैंने सस्ती ले ली। खैर टॉपिक से ना हटें, तो मैंने ये उनसे ऑर्डर कर दी, आपको कीमत बता दी, और ठीक है। और ये दावा क्या करती है क्रीम, इसके बेनिफिट्स क्या हैं, यहाँ पर अवेलेबल हैं, यहाँ लिखे हुए हैं। बेनिफिट्स में ये है कि इसमें विटामिन D और E शामिल है, फुल कवरेज प्राइमर है, आप इसको एज ए प्राइमर भी यूज़ कर सकती हैं मेकअप से पहले, मतलब आप इसे अपने एज ए प्राइमर यूज़ कर सकती हैं, ठीक है। दूसरा ये कि एंटी रिंकल है, एंटी एजिंग है, मिनिमाइज पोर्स है, मतलब इसके इस्तेमाल से जबकि ये जो पोर्स होते हैं वो मिनिमाइज होते हैं, स्किन टाइटन करती है। साथ ही साथ ये CC क्रीम भी है, बूस्ट कॉलेजन ब्राइटनिंग। वाओ, इस एक क्रीम में इतना कुछ है,
मतलब ये तो गजब हो गया, ये तो ज़रूर लेनी है। अभी कितनी ही मेरी बहनों के दिल में चल रहा होगा कि वाओ इसको तो ऑर्डर करना है, बनता है, अभी आप मुझसे लिंक भी लेना चाह रही होंगी। लेकिन लेकिन हुआ कुछ ऐसा है कि इस क्रीम को यूज़ करते हुए कुछ देखने में इस टाइप की, बहुत क्यूट सा बॉक्स है, ठीक है, कलर भी बहुत प्यारा है, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं इसको हाफ़ यूज़ कर चुकी हूँ और हाफ़ यूज़ आपको नज़र आ रहा होगा शायद, हाफ़ यूज़ करने के बाद अब मैं इसको स्टॉप कर चुकी हूँ। मैं इसको मज़ीद नहीं लगाना चाह रही क्योंकि जितने बेनिफिट्स इसके ऊपर लिखे हुए थे इतना कुछ था, मुझे उतने रिजल्ट्स नहीं मिले। साथ ही साथ में ये गड़बड़ हुई कि इसने मेरे स्किन पे जो है बिल्कुल मामूली मामूली से, जैसे पिंपल्स नहीं कह सकते, एक्ने भी नहीं कह सकते, ना जाने वो क्या चीज़ थी, वो मेरे फेस पे जो है बनना स्टार्ट हो गया। मुझे समझ नहीं आई कि किस वजह से बनना स्टार्ट हुए। फिर मेरे जहन में आया कि हाँ मैंने ये नई चीज़ शायद अप्लाई की है तो इस वजह से बन रहे हैं, क्योंकि कुछ भी नया हम चेहरे पर लगाएं तो हमें सूट नहीं करता। तो मैंने कहा चले मैं अपनी स्किन को आदी करती हूँ, मैं इसको मज़ीद जो है अप्लाई करती रहती हूँ, लगाती रहती हूँ। मैं रोज़ रात सोने से पहले लगाती थी। यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ कि ये जो है नाइट क्रीम है, लेकिन इसको मैं रात को ही लगाती थी क्योंकि दिन में ही लगा ही नहीं सकते। मैं आपको यही बता दूँ, दिन में आप इसे लगा ही नहीं सकते, वो इसलिए कि आप जो है इसको देखें, ये लगाएंगी तो ये इतना वाइट कर देती है कि समझ नहीं आती, इतना वाइट यार मुझे नहीं पसंद। आप लोगों को शायद पसंद हो, जो मेरी बहनें चाहती हैं कि हाँ ऐसी कोई क्रीम हो जिसको लगाते जाएं तो चेहरा गोरा चिट्टा हो जाए, कुछ मेरी बहनों को पसंद है, लेकिन मुझे नहीं पसंद। ये देखें ना, ये चीज़ जो है आर्टिफिशियल लगती है, ऐसी खूबसूरती का क्या फ़ायदा जो आर्टिफिशियल लगे, ठीक है। मुझे ये चीज़ अच्छी नहीं लगी। हाथ पे तो ये बड़े मज़े से ब्लेंड हो गई है, फेस पे इतने मज़े से ये ब्लेंड नहीं होती है। हाँ ठीक है, अब्सॉर्ब हो जाती है अच्छे तरीके से, लेकिन उसमें जो एक वाइटिश सी चीज़ है वो रह जाती है, पता लगता है कि आप तो कुछ जो है इसमें कुछ मसनूई सा लगाया हुआ है, ठीक है। क्रीम्स होती हैं, डे क्रीम्स होती हैं, बीबी क्रीम्स होती हैं, सीसी क्रीम्स होती हैं, अच्छे से अब्सॉर्ब हो जाती हैं, ग्लो देती हैं, मज़ा आता है, पता भी नहीं चलता कि फेस पे कुछ अलग से लगाया हुआ है, इसका बकायदा पता लगता है। तो एक चीज़ ये मुझे अच्छी नहीं लगी, आर्टिफिशियल चीज़ नहीं अच्छी लगी है जो एक आर्टिफिशियल सी लुक आती है। तो मैंने इसको रात के लिए रख लिया कि चले मैं इसको रात में यूज़ करूँगी, क्योंकि इसमें इतना कुछ तो उन्होंने बताया हुआ, इतने विटामिन, क्या 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 नहीं बताया, मुझे वैसा ऐसा कुछ भी इसमें नज़र नहीं आया। मेरे स्किन पे वो अजीब से दाने से बनना स्टार्ट हो गए, जिनको अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने वही सोप लगा के ख़त्म कर चुकी हूँ। एक मैंने आपको नीम सोप बताया था और एक मैंने आपको एक स्किन वाइट सोप, यस मुझे याद आ गया, स्किन वाइट सोप का बताया था, वो दोनों सोप लगा के जो है मैंने अपना मुँह सही किया है। तो मुझे सूट नहीं की, लेकिन हाँ इसलिए मैं इसको जो है रिकमेंड बिल्कुल भी नहीं करूँगी। तो जो बहनें जो हैं ये यूज़ कर रही हैं, मुझे प्लीज़ बताइएगा कि आपको इसके रिजल्ट्स कैसे मिले, आप इसके रिजल्ट्स से खुश हैं या नहीं हैं, क्योंकि मुझे इसकी समझ बिल्कुल भी नहीं आई। तो अगर कल कलां को आप भी इस तरह की चीज़ ऑनलाइन देखें मंगवाना चाहें तो उससे पहले ये रिव्यूज़ ज़रूर देख लीजिएगा। तो फ्रेंड्स ये थी मेरी आज की वीडियो, जिसमें मैंने आज फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि मेरे पीछे जितने मैंने रिव्यूज़ दिए हैं सबके जो है बड़े पॉजिटिव रिजल्ट्स मिले, बड़े मज़ेदार किस्म के रिजल्ट्स मिले और बड़े मैंने खुशी से आप लोगों के साथ जो है उनके रिजल्ट्स शेयर किए हैं। लेकिन वाहिद ये एक प्रोडक्ट है, इसने मुझे रिजल्ट्स अच्छे नहीं दिए। मैं कहती हूँ चले रिजल्ट्स ना भी मिले बट साइड इफ़ेक्ट्स ना हो, लेकिन मुझे साइड इफ़ेक्ट्स इसके थोड़े से हुए, लिहाजा भी ये हाफ ही पड़ी है और मैंने ये लगाना छोड़ दी है, मेरे अब ये किसी काम की नहीं है। तो स्किन के साथ बिल्कुल भी ना खेलिए, मैं आजकल आप लोगों के साथ, आप लोगों की वजह से अपनी स्किन के साथ खेल रही हूँ और मैंने आपको साथ ही बता दिया कि मैं इसको बाय बाय कह चुकी हूँ, मैं इसको मज़ीद नहीं लगा रही। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, आप लोगों को पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि अच्छी लगी या नहीं लगी। तो अब मुझे इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।